एक बार फिर वेलकम है आपका मेरे डैशबोर्ड के ऊपर। और दोबारा से आपको यार एक प्रेजेंटेशन देता हूँ बिजट्रेड की। बेसिकली बहुत लंबे टाइम से बार बार कॉल आ रही थी कि रिंकू भाई बिजट्रेड की एक बार फिर प्रेजेंटेशन दे दो कि प्रेजेंटेशन क्या है। तो जो पहले वाली प्रेजेंटेशन थी वहाँ पर मैंने मैनेजमेंट को इन्वाइट किया था, तो मोस्टली उनकी ही प्रेजेंटेशन है। तो इस बार मैं एक बार आपको फिर गो थ्रू करता हूँ पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को कि कैसे 2019 का एक बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है बिजट्रेड। आप इसको क्रॉस चेक करें सारी चीज़ों को, और उसके बाद अगर आपको लगे कि बिजट्रेड आपके लिए बना है तो करें कंटिन्यू। ठीक है, तो करते हैं कंटिन्यू। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिजट्रेड को समझने के लिए। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा देर के लिए अपना मोबाइल वगैरह अगर उसे साइलेंट में लगा देंगे, कंसंट्रेट करेंगे पूरे के पूरे इस वीडियो के ऊपर, और आफ्टर दैट एंड ऑफ द वीडियो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि क्यों आपको बिजट्रेड करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला कि हमें बिजट्रेड क्यों करना चाहिए, तो उसकी सबसे पहली रीज़न है कि कंपनी जो है सारी की सारी कंपनी की ट्रांसपेरेंसी के साथ है। कंपनी जो है वो उसका हेड ऑफिस जो है आज बर्मिंगम के अंदर है, जहाँ पर डेली रात को जूम कॉल है, चाहे वो मैनेजमेंट में MD हो, CEO हो या दूसरे जो भी वर्ल्ड के लीडर्स हैं, वो टाइम टू टाइम आपको डेली आपको मिलते हैं इस बर्मिंगम के ऑफिस में, और वो टाइम टू टाइम यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ 1-to-1 मिल रहे हैं, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंपनी ने एक एड्रेस यहाँ पर डाला हुआ है जहाँ पर कोई बंदा ना आ सकता है ना जा सकता है, और गलती से चला जाए तो वहाँ कोई मिलता ही नहीं है। तो ऐसा तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। दूसरा, कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस है जो कि UAE के अंदर है। ठीक है, और एक कंपनी का जो ऑफिस है वो आयरलैंड के अंदर है, और एक कंपनी का जो एक ऑफिस है वो US के अंदर है। तो US का जो ऑफिस है, अगर आपको पता होगा तो US में भी कंपनी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि वहाँ पर US से कंपनी को हैंडल कर रहे हैं और ऑफिस को मेंटेन करके चल रहे हैं। तो और जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो आयरलैंड से रजिस्टर्ड है। तो थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफली अपने को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बिजट्रेड ने कि होता क्या है कि वर्ल्ड का जो एक रियलिटी है उन्होंने हमारे सामने रखी है कि वर्ल्ड की मतलब वर्ल्ड का जो टोटल वर्थ बनता है उसका 50% वर्थ जो है उस पर केवल 8 लोग हैं जो कि यहाँ पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ लोग हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो अगर हम उन 8 लोगों की बात करें तो थोड़ा सा हमें भी नॉलेज होना चाहिए कि वो 8 लोग कौन से हैं जिन्होंने लगभग 50% वर्ल्ड के वेल्थ के ऊपर अपना कब्जा करके रखा है। उनमें सबसे मेन बंदा जो है जेफ, जो है अमेजोन का CEO है, और लगभग 5.30% के ऊपर इन्होंने अपना कब्जा करके रखा हुआ है। बिल गेट्स को दुनिया जानती है और सबको पता है कि बिल गेट्स किसके लिए फेमस है। तो बिल गेट्स ने जो है लगभग 8.80% के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ पूरे वर्ल्ड के वेल्थ के ऊपर। उसके बाद जो है अगला जो पर्सन है उसका नाम है लैरी एल्सन। तो लैरी एल्सन जो है, लैरी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। लैरी जो है बेसिकली ओरेकल का CEO है और को फाउंडर है बोल सकते हैं। तो उसके बाद बात आती है यहाँ पर, तो इसी तरह से नीचे कुछ नाम है, आप इनको एक बार जो है गूगल कर लें और आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि एक वर्ल्ड की कितनी बड़ी वेल्थ के ऊपर जो है अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब बाकी जो रेस्ट बचते हैं, जितना भी हॉल वर्ल्ड बचता है, वो सारे का सारा कहाँ आता है, इस वाले पार्ट में आता है। और इसी वाले पार्ट में मैं भी हूँ, आप भी हैं, सभी हैं। तो अब हम यहाँ पर कितनी अर्निंग कर सकते हैं वो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कितना पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ आपको और आपको बताता हूँ कि तो बिजट्रेड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप मनी को बना सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो बिजट्रेड बेसिकली काम करती है फॉरेक्स के ऊपर। तो थोड़ा सा फॉरेक्स के ऊपर आजकल तो सबको मार्केट में पता ही है फॉरेक्स क्या, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं नोटिस में है या जिन भाइयों को नहीं नोटिस में है उनके लिए मैं आपको बता दूं कि फॉरेक्स जो है बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को स्टैंड करती है। और ये छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ पर 5.3 ट्रिलियन डॉलर की पर डे की ये इंडस्ट्री है। और ये कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी जीडीपी जो है इसके हिसाब से 1 से 2 दिन के अंदर भी कंप्लीट हो जाती हैं। और कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अभी फाइट कर रही हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो इतनी की हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक वॉल्यूम फॉरेक्स के अंदर जाता है। तो आप जो है स्टडी कर सकते हैं फॉरेक्स को कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये वर्ल्ड का। तो बिजट्रेड जो है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करता है और साथ में कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, बिजट्रेड की जो सबसे बड़ी पावर है आज की डेट की, वो बिजट्रेड का जो है
प्रोडक्ट है और बिजट्रेड का जो प्रोडक्ट है वो है उसकी बिज अकेडमी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, जिनमें से सबसे मेन चीज़ है हमारे पास कि अपने को बीच में प्रॉपर एजुकेशन मिलती है कि कैसे हमको फोरेक्स ट्रेडिंग करनी है, क्या फोरेक्स होता है, मतलब टॉप से लेकर बॉटम तक आपको सारे का सारा नॉलेज देता है। ये डिपेंड करता है आपके पैकेज के ऊपर कि आपने कौन सा पैकेज बाय किया है। सून जो आपको बिजट्रेड लाइव बिज लाइव सून मिलेगा और बिज ट्यूब भी आपको जो है आई थिंक दुबई का जो इवेंट है वहाँ से ये प्रॉपर लाइव हो जाएंगी सारी चीज़ें, तो सबको देखने को मिलेंगी ये। तो यहाँ तक बिजट्रेड ने क्या बताया कि भाई कितने परसेंट लोग हैं जो कि वर्ल्ड में बर्थ पर जो है बर्थ मतलब यहाँ तक बिजट्रेड में यही एक्सप्लेन किया गया है इस PPT के अंदर। तो यहाँ बिजट्रेड की PPT में यहाँ तक ये एक्सप्लेन किया है कि भाई 50% बर्थ का जो है वेल्थ का जो है उस पर कौन लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो काम कर रहा है यहाँ पर वो लोग चुनिंदा कुछ लोग, बाकी लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं उनमें से जो है बिजट्रेड भी एक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम बना सकते हैं और साथ साथ में यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो हम उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पर तीन तरह के एजुकेशनल पैक्स हैं। एक है स्टार्टर्ड, जो स्टार्टर्ड में दो पैक आते हैं आपके स्टार्टर्ड और प्रो स्टार्टर्ड। एक आपका आता है बिजनेस, जिसमें आपके दो पैक आते हैं बिजनेस और प्रो बिजनेस। और एक आपका आता है ट्रेडर, जिसमें ट्रेडर और प्रो ट्रेडर होता है, ठीक है। और एक VIP भी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप 50 या 100 वाले पैक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए मैं आपको लेकर जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है आपका कि अगर आप यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टार्टर्ड के साथ में 50 यूरो से या 100 यूरो से, जिसको हम स्टार्टर्ड या प्रो स्टार्टर्ड बोलते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर मिलता है फोरेक्स मास्टरी का कोर्स जो कि बिगनर्स के लिए है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक बार ओपन करता हूँ स्टार्ट लेसन्स में जाके, तो यहाँ पर आपको पूरी कोर्स की डिटेल मिलती है, प्लस आपको यहाँ पर 6 वीडियोस मिलते हैं और नीचे पूरे का पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन में समझाया होता है। तो इस तरह से जो है आपको सारे के सारे प्रॉपर वीडियोस मिलेंगे जहाँ पर आपको सारी के सारी चीज़ें फोरेक्स एजुकेशन को लेकर बताई हुई हैं, आपको एडुकेट किया हुआ है, ठीक है। अगर आप जाते हैं 500 यूरो या 1000 यूरो के साथ में, तो आपको जो पैक मिलता है वो मिलता है आपको नेक्स्ट लेवल का। नेक्स्ट लेवल इन द सेंस कि आपको बिगनर तो मिलता है साथ में आपको इंटरमीडिएट भी मिलता है। तो अब आपको यहाँ पर दो कोर्स मिलते हैं। तो अगर हम इसके स्टार्ट लेसन की बात करते हैं और अगर हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पर आपको एडवांस लेवल के कोर्स हैं और यहाँ पर भी आपको लगभग 16 मॉड्यूल मिलते हैं, जहाँ पर आपके सारे के सारे चीज़ें आपकी क्लियर की हुई हैं इन्होंने कि डबल बॉटम क्या होता है, डबल टॉप क्या होता है, ठीक है ना, ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होती है, ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, तो सारे का सारा यहाँ पर इन्होंने सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद अगर आप 5000 से लेकर या 10000 यूरो का पैक बाई करते हैं, तो आपको उससे और एडवांस लेवल का, जिसमें कि तीनों कोर्स आ जाते हैं आपके, और तीनों कोर्स कौन कौन से होते हैं आपके, बिगनर का भी, इंटरमीडिएट का भी और एडवांस का भी, तो आपको तीनों के तीनों कोर्स मिल जाते हैं। तो मीन्स यहाँ पर जो है आप देखेंगे यहाँ पे 10 मॉड्यूल है और 10 मॉड्यूल में यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें उन्होंने समझाई हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, या मार्केट गैप क्या होता है, या फिर आपके लिए टेक प्रॉफिट कैसे लेते हैं, एंट्री ऑर्डर्स क्या होते हैं, ब्रोकर स्टॉप लॉस मैनिपुलेशन क्या होता है, तो सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन की हुई हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर भी कि आप किस पैक के साथ जा रहे हैं। जैसा आप यहाँ पर पैक बाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको एजुकेशन मिल रही है। आजकल मार्केट में बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि एजुकेशन पैक आपको दे रही हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं देती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप इनका पैक बाई कर रहे हैं, तो इनके पैक बाई करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपने पैक बाई किया है उसके ऊपर आपको 52 वीक्स तक आपको 8% से लेकर 12% के बीच में, अभी हम इसके एवरेज की बात नहीं करें, तो 8% से लेकर और 12% के बीच में आपको जो है यहाँ पर क्या मिलता है, प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगली बात करते हैं कंपनसेशन प्लान की, जो कि कंपनी का बहुत ज़बरदस्त कंपनसेशन प्लान है। यहाँ पर 5 तरह की इनकम है। पहली इनकम है डायरेक्ट बोनस। तो डायरेक्ट बोनस आप कितने भी अमाउंट के साथ में स्टार्ट करते हैं, आप किसी भी पर्सन को लेकर आते हैं, तो डायरेक्ट आपको मिलता है 10%, और हर आदमी यहाँ पर इसी के लिए काम कर रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। और इसी इंडस्ट्री के अंदर नहीं, आप दुनिया में अगर कोई भी काम करें, हर आदमी कमीशन के लिए काम कर रहा है।
चाहे आप कैसे देखो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस में देख लो, चाहे कहीं भी देख लो, हर आदमी इसी चीज़ के लिए काम कर, उसको डायरेक्ट कितना मिलता है, तो डायरेक्ट है यहाँ पर 10%। दूसरा इनकम है यहाँ पर टीम बोनस। टीम बोनस के लिए अगर आपका खुद का पैक स्टार्टर का है तो आपको 8% की बाइनरी मिलती है, बिजनेस का है तो 9% की बाइनरी मिलती है, और ट्रेडर का है तो आपको 10% की बाइनरी मिलती है। तो बहुत बड़ा एक इनकम है टीम बोनस का। टीम बोनस का मतलब हो गया एक तरह से बाइनरी का इनकम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर मैचिंग बोनस की। तो वो लोग जिनके अकाउंट 5000 या उससे ऊपर का है, उनको जो है फर्स्ट जनरेशन से 10% और सेकंड जनरेशन से 5%, तो 15% आपको यहाँ से मिलता है, तो दैट इज़ अ ह्यूज इनकम। आगे बात करते हैं हम रेनुअल बोनस की। तो आपने जिस भी एक्स वाई जेड अमाउंट के साथ में स्टार्ट किया है, और अगर आप काम करते हैं तो जैसे ही आपका 4 times यहाँ पर आप अर्निंग कर लेते हैं तो आपका पैक 0 हो जाता है, आपको दोबारा अपने पैक को रिन्यू करना पड़ता है। और जब आप अपने पैक को रिन्यू करते हैं तो आपको फिर अगेन डायरेक्ट बोनस, टीम बोनस और मैचिंग बोनस आपको भी मिलते हैं, सिमिलर आपकी टीमों को भी मिलते हैं। अब यहाँ पर आपने स्टार्ट किया, आपने क्या किया, अगर आप इंडिविजुअल आते हैं काम, मतलब आप एजुकेशन ही लेना चाह रहे हैं, कुछ प्रॉफिट भी बनाना चाह रहे हैं कि भाई मैं किसी दूसरी जगह जा रहा हूँ, वहाँ पर अगर मैं पैसा डालता हूँ तो मुझे क्या, एजुकेशन तो मिलती है बट मेरा पैसे भी चला जाता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट यहाँ क्या होता है कि आपको आपका पैसा भी मिलता है, आपको प्रॉफिट भी मिलता है और प्लस कोर्स भी मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने 500 या 1000 यूरो से स्टार्ट किया, आपको 2 कोर्स मिल जाते हैं। अब 2 कोर्सों में आपके जो कोर्स हैं वो आपके आ जाते हैं, शुरू का ले लेते हैं पहले बिगनर का और दूसरा ले लेते हैं इंटरमीडिएट का। अगर आपके ये 2 कोर्स भी आपको मिल गए, साथ में आपको ये प्रॉफिट भी मिला 8 से 12% का, और उसके बाद में जब आपका टाइम का ड्यूरेशन पूरा होगा 52 वीक्स का, तो आपने जो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया था वो भी आपको रिफंड कर देती है कंपनी, ठीक है। उसके बाद है कुछ रिवार्ड्स। तो रिवार्ड्स बहुत अच्छे हैं कंपनी के। एक कंपनी ने प्लान बनाया है कि भाई ये कैरी फॉरवर्ड्स नहीं है, पॉइंट मंथली काउंट होते हैं, और जैसे आपके नीचे 200 पॉइंट्स बनते हैं तो आप TL बन जाते हैं, 400 पॉइंट बनते हैं तो आप EL बन जाते हैं। और अभी जैसे दुबई का इवेंट है, 900 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप डायरेक्टर क्लब में चले जाते हैं तो आपको जो है रीजनल डायरेक्टर बन जाते हैं। आपको दुबई का इवेंट कंपनी की ओर से मिल रहा है जो कि 7 मार्च को है। या आप अगर मेरे साथ आना चाहते हैं और 5000 यूरो से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, या आपने किसी भी एक्सपायर्ड अमाउंट में स्टार्ट किया मेरे साथ में और अपने डायरेक्ट में 7000 का बिजनेस डालते हैं तो भी आप क्वालिफाई होते हैं इसके लिए। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अगर आप 900 पॉइंट्स बनाते हैं तो एवरीथिंग पेड बाई द कंपनी, और अगर आप 5000 से स्टार्ट करते हैं या फिर 5000 यूरो का आपने नीचे बिजनेस डालते हैं तो फ्लाइट के टिकट जो है दुबई तक आपको लेना है, आगे का क्रूज पार्टी रहेगी, या जो आपका एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जाना, होटल से इवेंट प्लेस तक जाना, इस सारे का सारा मेरी ओर से रहेगा। और ये इवेंट हो रहा है वर्ल्ड के सबसे फेमस 7-स्टार होटल के अंदर में। जब आपके 4500 पॉइंट बन जाते हैं तो आप होंडा सिटी विन करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग हैं जिन्होंने होंडा सिटी विन कर ली हैं। जब आपके 900 पॉइंट्स बन जाते हैं तो आप BMW विन कर जाते हैं। जब आप 21000 पॉइंट्स बना लेते हैं तो आपकी पोर्से विन कर जाते हैं। ऑलरेडी यहां पर इराक से एक बंदा है जिसने पोर्से भी विन कर ली है, और आप यहां पर जो विड्रॉल्स हैं उनको कर पाएंगे बिजट्रेड के मास्टर कार्ड से, बिजट्रेड के वीज़ा कार्ड से, बिटकॉइन से और बैंक ट्रांसफ़र से। तो वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड UK में काम कर रहा है, हमारे लिए ऑप्शन है यहां पर बिटकॉइन और बैंक ट्रांसफ़र, और आप पिन भी जनरेट कर सकते हैं। तो अभी इवेंट होने वाला है दुबई में जो कि 7 मार्च को है अटलांटिस पाम में, तो वेलकम है आपका बिजट्रेड में। अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपको मेरे साथ में करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, जाएं ज्वाइन करें, अपना पैक बाय करें, अपना एजुकेशन का पैक लें, मुझे व्हाट्सएप करें कि मुझे आप ग्रुप में ऐड कर लें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, तो टाइम टू टाइम आपको जो भी और अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो अगर आपको लगे कि बिजट्रेड रिंकू शर्मा या उसकी टीम के साथ में ज्वाइन करना है, करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज़।